जानिए किस तरह मनाएंगी ज्योति सिंह अपना करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए रखेंगी। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में कुछ कड़वाहट चल रही थी, लेकिन खुशखबरी ये है कि इन दोनों के बीच की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन दोनों के बीच की जो कड़वाहट थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और हो सकता है, जी हाँ, अब हम जो आपको बताने वाले हैं ये बहुत बड़ी खबर है कि हो सकता है कि जैसे ही पवन सिंह आए लंदन से, वैसे ही ज्योति सिंह मुंबई उनके पास रहने फिर से आ जाए। ये पवन सिंह के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पवन सिंह के फैंस चाहते हैं कि ज्योति सिंह जल्द से जल्द पवन सिंह के पास वापस आ जाएं और पवन सिंह की लाइफ में जो एक छोटी मोटी कमी है वो भी कंप्लीट हो जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉलिंग के जरिए भोजपुरी स्टार्स की जितनी भी वाइफ है वो अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगी, चाहे वो खेसारी की हो, चाहे वो पवन सिंह की, चाहे वो रवि किशन की, सभी की स्टार की पत्नियां अपना व्रत वीडियो कॉलिंग के जरिए ही खोलेंगी। ऑलमोस्ट सभी के पति देश से बाहर हैं या देश में है भी तो अपने राज्य से बाहर है, और इस कारण इस बार भोजपुरी की तकरीबन 90% जितनी भी स्टार्स वाइफ हैं उन्हें अपना व्रत इसी प्रकार खोलना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि इन सब में सबसे आगे शायद ज्योति सिंह ही रहे। वैसे भी ज्योति सिंह के करवा चौथ व्रत की फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हुई थी मीडिया में, और अब इस बार भी हो सकता है यही हाल हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।